नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ वह लाल किताब से है। जी हाँ दोस्तों, वह लाल किताब का सिद्धमय टोटका है जो कि विश्व में प्रसिद्ध किताब है। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए ले आया हूँ, नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए उपाय, यह गजब का उपाय आप जानकर जरूर फायदा पाएंगे दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक देखते रहें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेके आते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आते हैं अपने टॉपिक पर, नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवाने के लिए गजब का यह टोटका। आइए जानते हैं। 5 ग्राम डली वाला सुरमा ले, उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दे। ख्याल रखें कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस न लाएं, उसे वहीं फेंक दे। दूसरी बात जो ध्यान करने वाली है वह यह है कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा डलियां ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ही डली हो और वह डली लगभग 5 ग्राम की हो, एक से ज़्यादा डली आपको नहीं गाड़नी है। तो यह उपाय कर आप जान पाएंगे कि नौकरी जाने का खतरा या ट्रांसफ़र का खतरा है, वो आपका इसका उपाय मिल जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा अगर आपने इसको किया होगा तो। और यह लाल किताब का सिद्ध टोटका है, जिसने भी किया है तो फ़ायदा तो ज़रूर पाया है और आप भी इसको अपना कर फ़ायदा पाएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो हमारा चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव इस टॉपिक से लेकर चल रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूलें, हम इस सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों।